इसलिए आप कभी ये शंका ही मत करना कि ये किसी को कुछ देते हैं। ये मंदिर इनका बनवाया हुआ, ये जो कुछ भी फेंकते हैं मेरे ऊपर ना, ये ऐसे करके तो मैं इकट्ठा करके और इसमें और इसी में लगा देता हूँ इनके काम में, ये सब काम में आपको नहीं मालूम, ये नहीं सुन सकते, ये बात नहीं मान सकते कि जब कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं देता तो ये नहीं मानते बाबा जी को देते देते तो होंगे का तो शंका है, होंगे कि नहीं होंगे तो शंका में पड़े पड़े तमाशा देख रहे हो, वो ख्वाब देख रहे हो, और जो सच्ची चीज़ है उसको इसलिए अच्छे चलो। तो ये खेल जो है ये सब कुछ है, अब आप देख रहे हो आपके सामने, हमने कोई इन्होंने गलत नहीं कहा, इन्होंने तो कहा था कि भाई ऐसा मंदिर ऐसा बना है कि ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है, तो आपने अपने तो यहाँ सब कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत कम बताए थे, बहुत ज़्यादा, अब वो तो अपनी आँखों से देखिए आप, तो आँखों से देखने से, और फिर ये मंदिर की तो ये है चिन्ह है कि आपको अमूलक चीज़ मिल रही है, इसी मंदिर के बहाने से मिल रही है, अगर ये बहाना ना हो देखने का तो आप ये चीज़ नहीं पा सकते हो, समझ गए, खाली ईंट और पत्थरों को देख करके नहीं मिलता कुछ, वो तो मिलेगा उस महात्मा से जिसने कमाई करके उसको पाया, उससे मिलेगा, तो तुम इसी में फंसे हो तो इसी को देख करके इधर आ जाओगे, चलो इसी को देखो और इसको देख के सोचोगे भाई किसने क्या दे रहा हूँ, तो जब वो सुनोगे तो कहते भाई ये तब तो कहते हैं तब तो हम आएंगे पूनम को आएंगे, कितने लोग कह के पूनम को विदेशी कह के जाते हैं कि हम आएंगे, तो देश वाले लोग जो है अन प्रांतों के वो आते हैं तो देखते हैं कहते हम आएंगे, तो उनको अब वो चीज मिल जाएगी, असली मंदिर यह इसमें जीवात्मा बैठी है और यहीं से जीवात्मा के जाने का घर का रास्ता, यही से सब मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा, वैकुंठ भी मिलेगा, ईश्वर भी मिलेंगे, ब्रह्म भी मिलेंगे, देवी देवता ये भी मिलेगा, गंगा भी मिलेगी, जमुना भी मिलेगी, त्रिवेणी संगम भी मिलेगा, और फिर उसके बाद देश में पहुँचोगे, ये यहाँ से रास्ते में, ये सच्चा मंदिर है, ये इंसानी क्योंकि इसमें रूह रहती है इसलिए जीवात्मा सच्चा मंदिर है, और कब तक है जब तक वो इसमें है, और उसके बाद क्या है नासमान, खोल नासमान है, ये पर्दा नासमान है, ये आपका है, ये तो यहाँ का मिट्टी है, वो आपको दिया गया और कण कण जोड़ करके बना दिया गया, फिर आपको और जीवात्मा का जोर है, जो कुछ भी खेल तमाशा उसी जीवात्मा का, अगर मान लो कि अगर ना आए माँ के पिंड पर बैठे नहीं तो ये वैसे ही रहेगा, वहाँ मर जाएगी, या ऑपरेशन करके उसको निकाल दीजिए, उसको पिंड को सूरत नहीं आएगी, माँ को मालूम रहता कि अब आ गई, उसमें आते ही ऐसे हरकत करती है, ऐसे ऐसे कूदती है पेट में, और माताएं जाती हैं तो गुदगुदी लगती है उनको, तब माताएं जिंदा रहती चुपचाप रहे मर जाए, बच्चा अगर कूदे फांदे नहीं पेट में वो तो मर जाएगी, वो ऐसा रहे तो बच्चा माँ जिंदा नहीं रह सकती, तो कूदता उसकी गुदगुदी से माँ रहती आराम से, तब तकलीफ, और जिन माँ के सूरत नहीं आती है और उनके वो पिंड बन जाता है तो बिना ऑपरेशन के तो मर जाएगी, तो ऑपरेशन करो जल्दी निकालो उसको, तो निकलता है वो मात का लो थोड़ा जो तैयार होता है वो, ऐसा होता तो मंदिर है जब तक ये रौनक है तब तक उसी सूरत की है, और सूरत निकाल के अलग खोल है मतलब खत्म हो गया, असली मंदिर ये है, असली मस्जिद ये है जिसमें 2400 घंटे वो बांग देता है, वो आवाज़ देता है, वहाँ उसका कीर्तन हो रहा, अखंड कीर्तन हो रहा, बोल रहा, तुमको बुला रहा, लेकिन तुम इस मंदिर में उसका कोई मतलब ये है कीर्तन नहीं करते हो, जब अखंड कीर्तन हो रहा है तो उसके मंदिर में पहुँचो, हर वक्त कीर्तन करो खूब अच्छी तरह से, और सन्मुख आरती, यानी उसमें तो कोई दिया है नहीं तो ऐसी ऐसा दीपक पकड़ो जिसमें तेल बत्ती न डालना पड़े, और तुम उसकी आरती करो, सूरत से आरती होती है, आँख ऐसी आरती आँख देखती है उससे आरती करती है, वो दिया या नहीं रहता वो, क्योंकि सूरत में तो प्रकाश है, अब प्रकाश हो गया है मिट्टी में लोप, अब इससे मिट्टी से निकाल करके अलग किया तो यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ सूरत का प्रकाश सिमट करके आ गया तो ये सब प्रकाश है, कूड़ा कचरा हट गया तो प्रकाश ही प्रकाश है उसमें, वो आरती करती है, अब उसकी आरती करेगी खुश हो जाएगा, जहाँ दृष्टि को भाई कहाँ आरती हो, वो खुश हुआ
और खुशबुआ खुश होकर मुँह खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, चले जाओ। ये है मंदिर, मस्जिद ये चर्च है, ये है मंदिर, और आपको इधर उधर उधर का कुछ नहीं। तो ये तो बहाना है कि चलो वहाँ देखे आगे भाई क्या मिलता है, असली चीज़ मिलेगी आपको। अगर किसी चीज़ के बहाने से, कोई पेड़ हो कोई हो बहाने से, अगर बड़ी चीज़ मन उस मंदिर में मिल जाए तो बस हम बोले ठीक है, मैं तो हमारा कल्याण हो ही गया। और ये चीज़ नहीं मिली तो कहें जा जा यहाँ चाहे कहीं भी भटको, कुछ नहीं मिलेगा।